नमस्कार, मैं शालिनी वर्मा अपने इस चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको माँ तुलसी के बारे में बताऊंगी। माँ तुलसी को लेकर आप लोगों की बड़ी इच्छा थी कि बताऊं मैं कहाँ पर रखा जाता है, वास्तु शास्त्र के अनुसार कहाँ पर हम तुलसी माँ को स्थान दें, ये आप लोग जानना चाहते थे। तो आज मैं इसी बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तुलसी का हमारे धार्मिक मान्यताओं में बड़ा स्थान है, बड़ा ऊंचा स्थान है। माँ तुलसी का देवता तुल्य स्थान माँ तुलसी को दिया गया है। इसीलिए घर में जब भी माँ तुलसी को स्थान दें तो बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ उनको रखना चाहिए। उनकी पूजा पाठ उनको ध्यान से रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि कौन सी दिशा में माँ तुलसी को रखने से घर में वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो माँ तुलसी को घर में रखने का जो सबसे उत्तम स्थान होता है वास्तु शास्त्र के अनुसार, वो होता है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट यानी पूर्व दिशा। आपको किसी भी अच्छे पॉट में या कहीं भी पूर्व दिशा में माँ तुलसी को स्थान देना है, उनको लगा के रखना है। पहला स्थान जो सबसे उत्तम होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है। ईस्ट डायरेक्शन में लगी हुई माँ तुलसी जहां पर आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा से आपके घर को भर देती है, तो सबसे अच्छी डायरेक्शन होती है। जहां से पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है तो पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा के अलावा अगर आपके घर का ऐसा नक्शा बना हुआ है जहां पे ईस्ट डायरेक्शन में कहीं भी रख पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो फिर जो दूसरी डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा में रखने के और भी कई फायदे होते हैं। अगर आप उत्तर पूर्व कोने में एक ऐसा कोना जहां पर उत्तर दिशा, बहुत लोग उत्तर पूर्व कोना पूछते हैं, उत्तर डायरेक्शन से भी आप आइए और पूर्व डायरेक्शन से भी आप आइए, और दोनों चीज जहां पर मिल रहे हो वो उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में माँ तुलसी को रखकर घर में सुख समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट किया जा सकता है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हम सभी जानते हैं भगवान कुबेर से जुड़ी हुई दिशा है। भगवान कुबेर धन दौलत के देवता हैं, तो उनके दिशा में रखा हुआ जो तुलसी का पौधा होता है जिसकी रोज पूजा पाठ की जाती है, तो घर में हमेशा प्रॉस्पेरिटी और कैश फ्लो बना हुआ रहता है। साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा बना हुआ रहता है अगर हम नॉर्थ ईस्ट दिशा में तुलसी माँ को स्थान देते हैं। तो दूसरा स्थान हुआ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में रखने का और भी एक फायदा होता है, अगर आपके घर में वास्तु दोष कहीं भी हो रहा है, माँ तुलसी से हम वास्तु दोष भी ठीक कर सकते हैं। पूरे घर में अगर कहीं भी कोई कोना ऐसा है जो वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, गलत है, तब भी आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर तुलसी का पौधा रखते हैं और रोज उनके नियम से पूजा पाठ करते हैं, धूप और दिया लगाते हैं, तो आपके घर के वास्तु दोष को भी दूर कर देता है तुलसी का पौधा। तो ये दो तीन चीजें हुई जो तुलसी को किस दिशा में रखना है ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमेशा याद रखें कि तुलसी हमारी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से एक बहुत ही पवित्र पौधा है जो माँ लक्ष्मी से भी जुड़ा है, भगवान विष्णु को भी प्रिय है। तो ऐसा पौधा आप जहां भी रखें, चाहे आप ईस्ट में चाहे नॉर्थ ईस्ट में, उसके आसपास साफ सफाई होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी कूड़ा कचरा वहां ना हो, झाड़ू वहां ना पड़ी हुई हो, डस्टबिन वहां ना पड़ा हुआ हो। हमेशा याद रखें कि आपको गंदगी से बचाकर रखना है, क्योंकि आप तुलसी माँ की पूजा कर रहे हैं तो आपको बहुत विशेष ख्याल रखना है साफ सफाई का। कोई गंदगी, खासतौर पे झाड़ू और डस्टबिन उसके आसपास नहीं होनी चाहिए, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर तुलसी का पौधा आपके घर में लगा हुआ सूख जाता है तब भी आपको उसको तुरंत रिप्लेस करना है। आपको तुरंत उस पर ध्यान देना है कि सूखी हुई तुलसी जो घर में होती है वो घर के लिए बैड लक को खींचती है। सूखी हुई तुलसी हमेशा से अच्छी नहीं मानी जाती, अशुभता का प्रतीक होता है। तो सूखी हुई तुलसी को घर में ना रहने दें। आप सूखी हुई तुलसी लेकर अगर आपके आसपास कहीं जल हो, पानी बहता हुआ पानी हो, नदी हो, तो आप जल में प्रवाहित कर दें, सबसे उत्तम होता है। अगर आप जल में प्रवाहित इसको नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मिट्टी में ही दबा दीजिए। जहां पर आपने तुलसी का पौधा लगाया है वहीं आप मिट्टी में नीचे दबा दीजिए और नए तुलसी के पौधे को आप लगा दीजिए। तो इस तरह से तुलसी है जो हमारे घर में सुख समृद्धि
और हमारे लिए वैभव को अट्रैक्ट कर सकती हैं अगर हमने उनको सही दिशा में रखा है। और तुलसी जब भी रखें तो हमेशा याद रखें कि कम से कम धूप दिया तो होना ही चाहिए। शाम के समय तुलसी पे दिया लगाना घर में शुभता को अट्रैक्ट करता है, तो जब भी तुलसी को आप घर में रखें उनकी पूजा के साथ शाम को एक दिया दीपक जरूर लगाते रहें, इससे घर में हमेशा अच्छी ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। तुलसी के लिए मान्यता होती है कि जब भी तुलसी लगाएं, अगर आप एक से ज्यादा लगाना चाहते हैं तो ऑड नंबर्स में लगाएं। ऑड नंबर्स 1, 3, 5 और 7, यानी कि आपको अगर तुलसी एक लगानी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने एक पौधा लगा दिया। अगर आप एक से ज्यादा तुलसी आपके घर में है और आप लगाना चाह रहे हैं तो फिर 2 लगाने की जगह 3 लगाइए, 4 लगाने की जगह 5 लगाइए, यानी ऑड नंबर्स में। तो आप 1, 3 या 5 पौधे तुलसी के घर में लगा सकते हैं। वैसे उतना ही पौधे लगाएं जितने पौधों की आप देख रेख कर सकें, पूजा कर सकें। आप एक पौधा लगाएं और पूरे मन से उसकी पूजा पाठ करें, आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर में माँ लक्ष्मी का सदा सदा के लिए वास होता है। तो साथियों, ये हुई आज तुलसी को लेकर। कुछ और जानना चाहें तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उन टॉपिक्स पे भी आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू।